ये उबला हुआ आलू है जिसे हम ग्रेट कर लिए, छोटा वाला से, लम्स नहीं होना चाहिए इसमें। हम डालेंगे चिली फ्लेक्स, नमक टेस्ट के अनुसार, जीरा, हरी मिर्च भी डाल देते हैं, देखने में अच्छा लगेगा कलरफुल। और सभी को मिक्स कर लेते हैं। हम ले लिए जिसपे पापड़ बनाएंगे, इसमें हम सुखाएंगे, मोटा है तो ऑयल लगा दिए, इसमें वो ऑयल लगा लेते हैं। और आलू का बॉल बनाते हैं, बड़ा छोटा आप अपना हिसाब से बना सकते हैं। इसको हम टिफिन बॉक्स में दबा देंगे गाइस। ये देखिए बन गया हमारा पापड़। इसी तरह पापड़ हम तैयार करेंगे गाइस। इसको धूप में डाल दी है, शाम तक इसको सुखाएंगे और ये नहीं उड़े इसके लिए चकला ऐसे रख देंगे, बस शाम तक इसको सुखा देंगे गाइस। गाइस ये देखिए हमारा पापड़ तैयार है, आलू का पापड़ कल हम बनाए थे तो कल पूरे दिन हम इसको धूप दिखाए, आज तैयार हो गया। देखिए आप तो इसे बना सकते हैं, तो कल के दिखा रहे हैं, गेस्ट को भी दे सकते हैं गाइस, बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुआ। आप मेरा हाथ भी देख सकते हैं इस बार उस पर। गैस हमारा तेल गरम हो गया, तो पापड़ छाप के दिखाते हैं आपको कितना अच्छा बना है। पापड़ रेडी है, चाक के हम दिखा दिए आपको, खाने में तो मजा आ जाता है। आप भी बनाइए और कुछ डाउट तो कमेंट करके जरूर पूछिए, जरूर दिखाएंगे बना के आपके लिए, ट्राई हम जरूर करेंगे।